सो हेलो गाइस, टुडे वी हैव नोकिया X6 विच हैव बीन लॉन्च इन चाइना। तो हम अपन इसके पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 435 ppi 19:9 एस्पेक्ट रेशियो 1080x2280 पिक्सल्स वाली ये स्क्रीन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर हमको 3060 मिली यहाँ पर एक बैटरी मिलती है, जो कि चार्जिंग सपोर्ट करते हुए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। इसमें अपन को स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट देखने को मिलता है, और एड्रीनो 5 का जीपीयू मिलता है, और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो मिलता है, और सारे सेंसर अपन को इसमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ इसमें बोल्ड लेटर्स में नोकिया लिखा हुआ है, और स्क्रीन 2.5D कर्व्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी दिख रही है और ओवरऑल अच्छा लुक दे रही है इस फ़ोन को। तो अब अपन इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, तो अपन को यहाँ पर राइट में अपन को वॉल रॉकर्स और नीचे की तरफ पावर बटन मिल जाता है, ऊपर 3.5 mm जैक हेडफोन जैक मिल जाती है अपन को, जो कि इन्होंने अच्छी बात है नहीं हटाई। और इसमें पीछे अपन को ग्लास मिल जाता है, और नीचे की तरफ उनको स्पीकर और सी टाइप मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसमें रेंज फ़ोन के लिए सी टाइप मिलना, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी रहती है और डाटा भी जल्दी निकल जाता है। यहाँ पे अपन को देखते हैं कौन सी सिम मिलती है, सिम ट्रे शायद तक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है इस फ़ोन के लिए, पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हुए इसके कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने को 16+5 megapixel का कैमरा मिलता है विद इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजर, और नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर है, और उसके भी नीचे नोकिया लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, और ये पीछे का ग्लास बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और नहीं अगर अपन फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पे 16 megapixel का फ्रंट कैमरा अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है सेल्फी लवर्स के लिए। और यहाँ पे कई सारे सैंपल शॉट्स है विद कंपैरिजन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कई सारे अच्छे फ़ोनों से कंपेयर करा गया है कई सारी कंडीशन में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके पास नोकिया 7 प्लस है, नोकिया का ही है एक, पर कैमरा इसके सामने भी काफ़ी अच्छा टिक रहा है, और रेडमी के भी कई सारे फ़ोनों के साथ ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे अपन को इसमें नॉच दिया गया है, जो कि एक प्रीमियम लुक दे रहा है, जो कि आप और दूसरे ब्रांड में जाएंगे तो आपको कई सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जैसे आप वीवो में जाओ, ऑनर में जाओ, तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पर एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस बार नोकिया ने अट्रैक्ट करने के लिए करी है, तो काफ़ी अच्छा लुक भी दे रही है ये, तो थम्स अप फॉर दिस, लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे अपने पास MI A2 के साथ कैन इसका ऑल एंड ऑल सारे कलर काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं इस फ़ोन में। तो यहाँ पे अपने पास नोट 5 प्रो है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है इस रेंज के अंदर। चलो अब अपन इसके प्राइस की भी बात कर लेते हैं, तक आप शॉर्ट्स देख रहे हो, तो यहाँ पे अपन को 4GB 32 तो 14,000 रुपये तक का मिलेगा, और अगर आपको दूसरे वेरियंट चाहिए तो 18,000 रुपये तक के लिए है। तो यहाँ पे अपने पास कॉलिंग वाला इंटरफेस है, और उसके अलावा यहाँ पे अपन एक एनिमोजी जैसा जो एप्पल में उस टाइप का कुछ देख सकते हैं, जो कि इसके कैमरा में इनबिल्ट है, जो थोड़ा मेरे को वियर्ड लगा, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा ये खास। आप अपने कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पे अपन इसके थोड़े लाइव वॉल पेपर्स की बात करते हैं, जो कि इस फ़ोन को अगर अपन लाइव वॉल पेपर लगा के रखें तो खासू से लुक ही देते हैं, और ये वाला तो खासकर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके अलावा अपन दूसरा वाला देखते हैं, एक ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक।